आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर जो फैसला है, अगर मैं बात करूं उस पर, तो सीधे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है, क्या राहुल गांधी को जो सदस्यता मिलती नजर आ रही है, चुनाव अब वो लड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, और क्या राहुल गांधी 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़, और आप तमाम दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीधे सीधे तौर पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर। देखिए, काफ़ी समय से सवाल खड़ा किया ही जा रहा था कि क्या राहुल गांधी को संसद सदस्यता मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा, और क्या वाकई राहुल गांधी की अब जिस तरीके से सदस्यता वापसी हो रही है, चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। देखिए, मोदी वर्सेस इन दिनों हम कन्हैया कुमार देख रहे हैं, और कन्हैया कुमार वर्सेस मोदी इन दिनों जिस तरीके से दिखाई दे भी रहा है, हालात इन दिनों जिस तरीके से नज़र भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर कन्हैया कुमार अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलों को अगर बढ़ा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र कर लूँगा, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता इन दिनों जो सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार के पास उन सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक मोदी सरकार जो है वो फंसते नजर आ रही है। राहुल गांधी की सदस्यता पर कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिक्रिया दी है वो क्या है, और कैसे राहुल गांधी 24 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि उनकी जो संसद सदस्यता पर जो फैसला है, उस फैसले पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार अड़चन खड़ा कर सकती है, और अगर अड़चन खड़ा कर देती है तो क्या राहुल गांधी के लिए फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। कांग्रेस क्या क्या कह रही है, मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ क्या कुछ कह रही है कांग्रेस, देखिए रिपोर्ट। आज सत्य साहस की जीत हुई है, ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीज़ें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं
और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के एक नेता का और बयान सामने आया जिसमें उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है देखिए। नहीं तो कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये रिपोर्ट आपने देखी। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मौजूदा समय के अंदर अधीर रंजन चौधरी जो हैं, उन्होंने भी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको उन्हें वापस अब देना चाहिए और नई संसद में राहुल गांधी को मौका दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि राहुल गांधी नई संसद भवन में जैसे ही एंट्री करेंगे, क्या वो सवालों की बौछार कर देंगे और सवालों की इस बौछार से क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आएंगी? क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन, देखिए फिर कौन। सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे वो स्टे कर दिया गया। इसका मतलब क्या होते हैं, दोबारा उनको वापस सदन की कामकाज में भाग लेने की अवसर मिल जाते हैं। और इसके पहले जो जिम्मेवारी बनते हैं स्पीकर साहब की सेक्रेटरियट को, उसको ही मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जिस त्वरित गति से, जिस रफ्तार से राहुल जी का सदन से सदस्य पद खारिज करने के लिए तत्परता दिखाई, वही तत्परता राहुल जी के वापस के लिए जरूरी है। तो इसी के चलते मैं लाइट बंद कर दीजिए, इसके चलते मैं कल स्पीकर साहब को रात में फोन भी किए थे ये कहते हुए कि स्पीकर साहब राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं, हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दे कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क यह है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है, तो मैंने कहा कि यह चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को। तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए।
तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया, अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक की बात एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए, जब उनकी जब राहुल गांधी जी कोर्ट से जब राहुल गांधी जी को राहत मिल चुके हैं तब किसी बजाय से उनके लिए सदन में आने में कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा गुजारिश कहिए दरखास्त कहिए स्पीकर साहब और दफ्तर पे है, उन दफ्तर से है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और एक और खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। राहुल गांधी की सदस्यता वापसी के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं गांधी परिवार के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिली, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता किसी मंत्री में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राहुल गांधी की सवाल का जवाब दे दे या जो कोर्ट का फैसला है उस पर कोई बात रखे। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह ही दिया है कि सच्चाई की आखिरकार जीत होती है और सच सामने आ ही जाता है, और सच्चाई वाकई सामने आ ही गई। और ऐसे में राहुल गांधी की जीत यानी कि 24 के चुनाव से पहले आधी जंग राहुल गांधी जीत गए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।